गुड आफ्टरनून गाइस, आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा हम लोग कल रात को ही एडमिट हुए थे। और मेरे साथ यहाँ पे अभी मम्मी है जो अभी लंच कर रही है। सुबह का लंच भी हो गया है और मम्मी मेरे साथ यहाँ पे साथ में बैठी है। डेनिस और भाई भी कल रात से यहीं पे थे, वो अभी फ्रेश होने के लिए घर पे गए हैं और वो लोग लंच करने के बाद ही आएंगे। मैं आप लोगों को दोपहर को लंच के वक्त मिली थी, अभी ये डायरेक्ट शाम का टाइम है और हम लोगों को डिस्चार्ज मिल चुका है। राइट, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या था। सो वाटर लीकेज हो रहा था, मतलब कि जिस दिन हम रूटीन चेकअप के लिए गए थे ना उस दिन मेरा फिंगर टेस्ट हुआ था। फिंगर टेस्ट होने के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही थी और साथ में ना वाटर भी मेरा थोड़ा 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 करके लीकेज हो रहा था। उस वक्त इतना पेन नहीं था, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया है, उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि फिंगर टेस्ट से मुझे मतलब कि इतना पेन नहीं होता है, नॉर्मल सा हल्का पेन रहता है। तो ये अधूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। जल्दी जल्दी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम मुझे सेकंड डे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इसके बाद एक्चुअल में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई ना वो मैंने आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। उसके दूसरे ही दिन हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा नहीं होगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए, तो आप पिछला व्लॉग जरूर देख लो फिर इसके बाद ये वाला व्लॉग देखो। गुड इवनिंग गाइस, सो हम लोगों को डिस्चार्ज मिल गया है, बस अभी हम लोग फाइल वगैरह लेकर घर ही निकल रहे हैं। और पता नहीं था कि ऐसे भी आना पड़ेगा, और मतलब हम लोग जब निकले थे ना तभी तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी बस बेबी के साथ ही जाएंगे, लेकिन अभी वक्त है बेबी को आने में। तो मैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हैं, साथ में भाई और यहाँ पे हैं, पापा भी आए थे दोपहर को खाना देने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं आज सुबह से मैं कैसी घूम रही हूँ, मतलब हॉस्पिटल में ऐसे कभी मैं एडमिट नहीं हुई थी, तो बिना सावन लिए। और घर पे चलते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा, घर वाली फीलिंग, मतलब घर में जो रिलैक्स फील होता है ना, इंसान में बीमार ना भी हो ना तो भी हॉस्पिटल में आके बीमार हो जाता है। तो मुझे है ना पर्सनली यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है हॉस्पिटल में रुकना, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि रुकना पड़ा। तो अभी घर पे चलते हैं और बस कब घर पे चलूँ और शांति से आराम करूँ, क्योंकि घर पे अच्छे से नींद भी आएगी और ठीक भी हो जाऊँगी जल्दी। बुधवार को फिर बुलाया है डॉक्टर ने रूटीन चेकअप के लिए। सो अभी वक्त है बेबी आने में। सो बस अभी हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और बस कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह लिख के दी तो वो लेकर हम लोग भाई के साथ निकल रहे थे। और क्या हुआ था, डॉक्टर ने क्या बताया, डिस्चार्ज क्यों मिल गया और बेबी अभी तक क्यों नहीं आया, वो सब कुछ देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा गाइस। और आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कुछ ज़रूरी बात है जो मैंने फेस किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और बस यही, अभी हम लोग निकल रहे थे, मम्मी डांट भी रही थी सीढ़ी पे, मैं वीडियो बना रही थी इसलिए, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी डांट भी खानी पड़ी, लेकिन फिर भी हूँ थोड़ी जिद्दी, संभाल के वैसे करना चाहिए, आई नो अभी इस टाइम सेफ नहीं है ये सारा कुछ। तो बस अभी घर के लिए निकलते हैं, और घर पे जितना सुकून मिलता है ना उतना कहीं नहीं मिलता, हॉस्पिटल के चक्कर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और आप मेरा फेस कितना उतरा हुआ है देख ही सकते हैं, क्योंकि मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये लास्ट टाइम में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ अलग अलग ही सिम्टम्स मुझे, मतलब क्या हो रहा है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरा 9वां महीना भी अभी ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन बचे हैं, कोई लेबर पेन भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, और क्या हो रहा है आई डोंट नो यार। बस चलिए चलते हैं घर पे, अभी हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, आज का डिनर सब लोग साथ में मिलके करेंगे घर पे,
कल रात को हॉस्पिटल में, तो बेड भी इतना, बेड की जो हाइट थी ना वो इतनी ज़्यादा थी ना, बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी, और बार बार मुझे वॉशरूम लगती है रात को। वॉशरूम भी इतना दूर था कि क्या बताऊँ आप लोगों को, सच में बहुत परेशान हुई थी। एक रात तो मैंने जैसे तैसे करके निकाली। और मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, इसमें मैंने आप लोगों के साथ फिंगर टेस्ट के बारे में बातचीत की थी। पहले आप लोग ये व्यू देख लो, कितना प्यारा व्यू है। शाम का टाइम है 5:30 करीब, कुछ टाइम हुआ होगा। और हाँ, फिंगर टेस्ट के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 9वें महीने में जो फिंगर टेस्ट होता है वो, उसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी अधूरी डिटेल शेयर की थी, डिटेल में शेयर करूँगी। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहले हैं और घर पर चल के ही मैं पहले सावर लेने वाली हूँ, फिर बाकी सब कुछ देखेंगे। क्योंकि पता नहीं क्यों मैं सावर नहीं लेती हूँ ना, तो ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ ऐसा मुझे फील होता है अंदर। तो पहले सावर लेते हैं, फिर बाकी बच्चों भी है देखेंगे। और मेरा गला भी बैठ गया है, मम्मी और मेरा दोनों का गला ख़राब है। भाई ड्राइविंग कर रहा है, टेनिस पीछे बैठे हैं और मम्मी भी पीछे ही है। और पापा को मैंने बताया नहीं, अभी देखते हैं घर पे जाके उन लोगों का क्या रिएक्शन है। लेकिन उन लोगों को तो था कि हम बेबी को साथ में लेके ही जाएंगे अभी। तो घर पे आने के बाद मैंने पहला सावर लिया, कपड़े चेंज किए। अभी इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मतलब जन्नत वाली फीलिंग आ रही थी, क्या बताऊँ। घर घर है आखिर, क्या बोलूँ। मतलब घर में जो सुकून मिलता है ना, और कहीं नहीं मिलता। और हॉस्पिटल तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत चीड़ है। तो यहाँ पे सभी लोग साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे, और डेनिस भी साथ में ही थे। तो आज सच में डेनिस ने मुझे बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि हिम्मत दी। हाँ गाइज, आज बहुत दिन के बाद यहाँ पे, मतलब बहुत दिन तो नहीं बोल सकते हैं, कल का दिन ही था, मतलब एक दिन के बाद आज हम लोग यहाँ पे सब लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठे हैं। तो अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो ऐसी कैसी क्वालिटी आ रही है। तो आज क्या है किचन में, आज उंधियू है, मम्मी ने उंधियू बनाया, साथ में जुआ की रोटी है। और ये रहा भाई, ये रहे डेनिस, हाय तो बोलो एटलीस्ट। ये रहे पापा, ये रहे मम्मी, और नानी और मासी, और ये रही मैं। तो बस चलिए डिनर करते हैं सब लोग साथ में मिलके, फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। और बहुत ज़्यादा सच में आज बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है बोलने की और व्लॉग भी करने की। और जल्दी सो जाऊँगी क्योंकि वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल रात को मैं फिर डिनर करने के बाद सो गई थी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और अभी मैं यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में लेके बैठ गई हूँ रोटी सब्जी। नानी आए हैं मेरे, मुझे लगा कि कौन आया। हाँ, तो आज सुबह 9 बजे ही लाइट चली गई थी, पता नहीं क्या है यहाँ पे, कौन सी दिक्कत है। मुझे एक वीडियो भी अपलोड करना है, लेकिन वाईफाई के बिना वो भी नहीं हो पाएगा। और आज मैंने सुबह सुबह ही सावर ले लिया है, सावर लेकर मैं बैठ गई हूँ कुछ खाने के लिए। खाने में मुझे ना पता नहीं, आजकल सुबह सुबह ही रोटी सब्जी या फिर कुछ हैवी नाश्ता मिल जाए ना तो अच्छा लगता है। तो अभी मम्मी लंच में रोटी और सब्जी बना रही है ना, तो वही मैं गरम गरम रोटी और सब्जी लेके बैठ गई हूँ। चलिए फिर मैं अपना ये नाश्ता एंजॉय करती हूँ, नाश्ता या फिर लंच मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 11। और आज मेरी मॉर्निंग भी थोड़ी लेट हुई, मम्मी ने भी नहीं उठाया क्योंकि कल रात को तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। और मुझे आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो शेयर भी करनी है। तो पहले मैं अपना ये नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी प्रेग्नेंट वूमेन, प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ जुड़ी हुई है, आप लोगों को भी ये जानना ज़रूरी है जो मैंने फेस किया है। चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ से शेयर करूँ वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। सो शुरू करते हैं फिंगर टेस्ट, राइट। हम लोग गए थे रूटीन चेकअप के लिए, तो फिंगर टेस्ट हुआ था। बाप रे, हम लोग रूटीन चेकअप के लिए गए थे ना, उस दिन मेरा फिंगर टेस्ट हुआ था। तो सो तब तक तो सब ठीक था, सही चल रहा था। प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई ना दूसरे दिन, मतलब हल्का हल्का पेन हो रहा था जब मैं आई थी ना रूटीन चेकअप के बाद, तब हल्का हल्का पेन हुआ था, ज़्यादा नहीं था। सो नॉर्मल था सब कुछ, और डॉक्टर ने भी बताया था कि थोड़ा बहुत
वाटर लीकेज जैसे होता है ना, ऐसा हो सकता है और थोड़ी हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो मैं प्रिपेयर थी। और हाँ, पिछला व्लॉग जरूर देखिएगा। अगर आप पिछला व्लॉग नहीं देखोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी पूरी बात, मतलब सारी बात समझ में नहीं आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसलिए पिछला व्लॉग पहले देखिएगा, फिर इसके बाद ये वाला व्लॉग देखिएगा। तो प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई ना, सुबह जैसे मैं उठी ना, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था धीरे धीरे, मतलब कि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपना जो प्राइवेट एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, यूरिन भी पास नहीं हो रहा था ठीक से। और आई थिंक सब लोग ये सारी बात शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये बात भी शेयर करना ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। और बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोग भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हो और आप लोगों ने भी ऐसा फेस किया हो तो कमेंट करके मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ, तो पहले तो मुझे लगा था कि फिंगर टेस्ट नॉर्मल है, मतलब इतना भी पेन नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा हुआ। मुझे दूसरे दिन इसका जो पेन है वो ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तो सुबह भी चलो थोड़ा बहुत पेन था, सुबह तो ऐसे कर करके दोपहर को ना जो मेरा वाटर ब्रेक, जैसे कि पानी जो है ना ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। वाटर ब्रेक नहीं था वो, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। वो वाटर ब्रेक नहीं था कि वो पानी की थैली जो फूटती है ना, वो वाला वाटर ब्रेक नहीं था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वाटर ब्रेक जैसा पानी लीकेज होगा और हल्का हल्का रेडी ब्लीडिंग भी होगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो ये वाटर है ना वो ज़्यादा होने लगा स्टार्ट, मतलब वाटर ब्रेक जो था ना वो ज़्यादा होने लगा था। तो मैंने पेड यूज़ किया, दो पेड यूज़ किया, दो पेड मेरे गीले हो गए। फिर मैंने सोचा कि शाम तक वेट करते हैं, शायद रुक जाए। तो 8-9 बजे तक मैंने वेट किया, फिर भी नहीं रुका। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, और मम्मी को भी मैंने ये सारी चीज़ बताई तो मम्मी भी बहुत घबरा गई थी। तो फिर इसलिए अचानक से हम लोगों ने रात को डिसीजन लिया कि जो भी हो एक बार चेक कर लेते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेते हैं, मतलब कि एक बार दिखा देते हैं डॉक्टर को। तो एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, 24 आवर्स सर्विस फाइल में लिखी थी और हमें इतनी आइडिया नहीं थी कि रात को सिस्टर ही मिलेगी। वैसे इमरजेंसी हो तो डॉक्टर आ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब पहले जो मेरा टेस्ट किया वो सिस्टर ने टेस्ट किया, एक तो मुझे ब्लीडिंग आ रही थी अपने प्राइवेट एरिया से और बहुत ज़्यादा जलन भी थी। ऑलरेडी एक दिन पहले ही मेरा फिंगर टेस्ट हुआ था, तो फिर सिस्टर ने दूसरी बार मेरा फिंगर टेस्ट किया। तो आप समझ सकते हैं ऑलरेडी वो एरिया कितना सेंसिटिव होता है, वो एरिया में वहाँ पे कितना ज़्यादा, वहाँ पे ऑलरेडी मेरा पेन था। तो वहाँ पे फिर से फिंगर टेस्ट किया सिस्टर ने, और सिस्टर ने जो इस तरह से फिंगर टेस्ट किया ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता नहीं उनके पास शायद एक्सपीरियंस कम होगा, आई रियली डोंट नो, लेकिन सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। जो मेरा पेन था ना वो बहुत ज़्यादा और बढ़ गया था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उनके पास, मतलब उनको नहीं आता हो, शायद मेरा वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, उस वजह से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई। रात को भी बहुत बुरी हालत हुई। फिर सिस्टर ने डॉक्टर को कॉल किया, यानी कि मेरे जो डॉक्टर हैं, तो उन लोगों की डॉक्टर के साथ बात हुई। इस तरह से करके रात को मुझे इंजेक्शन भी लगा था, जो मुझे पेन हो रहा था ना प्राइवेट एरिया में, उसका इंजेक्शन लगाया। फिर डॉक्टर, फिर सिस्टर ने बोला कि आज आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप रात को आए हैं इमरजेंसी में, तो हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं। और जो भी चेकअप वगैरह होगा, आपको वाटर ब्रेक नहीं है सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फिंगर टेस्ट की वजह से हो सकता है शायद, लेकिन आप लोगों को रात को तो रुकना पड़ेगा, सुबह डॉक्टर आएंगे, विजिट करेंगे, आपका टेस्ट होगा, फिर अगर ऐसा हो तो आपको डिस्चार्ज मिल सकता है सुबह, या फिर एक दिन और रखेंगे। सो ऐसे करके रात तो पूरी निकल गई। रात को मैं और मम्मी दो ही लोग थे, भाई और डेनिस भी आए थे, लेकिन बॉयज़ अलाउड नहीं थे। सो मेरे घर पे, मेरा घर भी नज़दीक ही है नवसारी में, फिर वो लोग मेरे घर पे चले गए थे, यानी कि हमारे घर पे चले गए थे डेनिस और भाई, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो हॉस्पिटल से नज़दीक ही है, समझो 5 मिनट का रास्ता होगा। और मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि सच बताओ तो डेनिस और भाई दोनों मेरी स्ट्रेंथ हैं। अगर मैं कोई प्रॉब्लम में होती हूँ
ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है ना, लेकिन डेनिस और भाई मेरे साथ रहते हैं ना तो मैं फेस कर लेती हूँ। तो जितनी भी मुश्किल, कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, भाई और डेनिस मेरे साथ में होते हैं ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। यानी कि मैं, मेरे में हिम्मत आ जाती है, वो दोनों मेरी हिम्मत बोल सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मम्मी भी मेरे साथ थी, लेकिन मम्मी के साथ भाई और डेनिस भी होते ना तो थोड़ी और हिम्मत मिल जाती। लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं, जाना पड़ा उन लोगों को। लेकिन वो सुबह फिर जल्दी आ भी गए थे, 7 बजे ही आ गए थे, क्योंकि मैंने फ़ोन कर करके परेशान कर रखा था कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, बस मुझे अभी की अभी आप लोग यहाँ पे चाहिए तो चाहिए। तो फिर मैंने उन लोगों को जल्दी फ़ोन करके बुला लिया था। डॉक्टर करीब आए थे 9 बजे के बाद, नहीं 10 बज चुके थे, 10:30 बजे आए थे डॉक्टर। फिर मेरा टेस्ट हुआ, फिर से फिंगर टेस्ट हुआ। ऑलरेडी प्राइवेट एरिया मेरा प्रॉब्लम थी, 2 बार फिंगर टेस्ट हो चुके थे, 3री बार फिर से हुआ। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा रोई थी, मतलब कि आई नो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये सब ज़रूरी है, लेकिन आप लोग बताइएगा गाइस, क्या नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो कितनी बार मतलब फिंगर टेस्ट होता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, और डॉक्टर के भी बहुत सारे वीडियो देखे थे, बहुत सारे डॉक्टर के भी यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, लेकिन बार बार फिंगर टेस्ट होता है ये मैंने पहली बार फेस किया। एक बार हो चुका था रात को, सिस्टर ने किया, 3rd बार, फिर 3री बार डॉक्टर ने फिर किया। तो वो आप समझ सकते हैं कि बार बार अगर एक ही जगह पे बार बार एक ही जगह पे अगर टेस्ट हो तो फिर कैसी हालत, मतलब वो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट? मतलब क्या वो एरिया में क्या हो सकता है, राइट? तो मैं बहुत गुस्सा भी थी, परेशान भी थी कि इस तरह से बार बार क्यों हो रहा है। डॉक्टर को भी मैंने बोला कि मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं यूरिन भी ठीक से पास नहीं कर पा रही हूँ, अगर आपके पास ऐसी कोई ट्यूब वगैरह है तो आप मुझे लिख के दो कि मैं मतलब वो एरिया पे लगा पाऊँ, ताकि वो एरिया मेरा ठीक हो पाए, क्योंकि दवाई वगैरह तो ले नहीं सकते हैं। इंजेक्शन एक बार लग चुका था रात को पेन का, तो फिर ऐसे कर गई। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी करवानी है आपको, तो फिर ये आप ये नहीं सहन कर पा रहे हो तो आगे नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस कैसे सहन करोगे। लेकिन आई नो मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन पता नहीं गाइस, लेकिन ये वाला दर्द था ना एक्सट्रीम लेवल का था, क्योंकि बार बार मेरा फिंगर टेस्ट हुआ तो मैं सच में बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था। मैं बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं थी मेरी, आप समझ सकते हैं, मैं यूरिन भी नहीं पास कर पा रही थी, तो ब्लीडिंग हो रही थी वो एरिया से, तो कैसी हालत हो सकती है। आई नो मैंने बहुत लंबा कर लिया, मैंने बहुत खींच लिया, लेकिन ये बात ज़रूरी थी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोगों का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम हुआ है और मैंने कभी सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था, यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं देखे थे कि बार बार फिंगर टेस्ट होता है। मम्मी को भी मैंने बताया कि मतलब आप लोगों के वक्त क्या ऐसा होता था, बार बार फिंगर टेस्ट होते थे। और हाँ, डॉक्टर तो ये भी बता रहे थे कि जब नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस होगी तो दो घंटे के बाद फिंगर टेस्ट होगा, तो आप क्या रेडी हो? चाहो तो आप सी सेक्शन भी करवा सकते हैं, 10 मिनट में बेबी बाहर आ जाएगा। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, जितना हो सके इतना, मेरे में जितनी हिम्मत है मैं जितना सहन कर सकती हूँ उतना करूँगी नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस करे के पहले, फिर बाकी देखेंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो ही सी सेक्शन में जाएंगे, वरना पहले नॉर्मल डिलीवरी की ही सोचेंगे। और आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, कुछ भूल गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ आप लोगों का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और क्या नॉर्मल डिलीवरी का जब वक्त नज़दीक आ जाता है तब बार बार फिंगर टेस्ट होते हैं क्या? क्योंकि यार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि बार बार फिंगर टेस्ट करने से वो एरिया एकदम सेंसिटिव हो जाता है और बहुत जलन भी होती है, तो ऐसे वक्त में वहाँ से बेबी कैसे आएगा? मैं कैसे मतलब नॉर्मल डिलीवरी का सोचूँ, मतलब कैसे मैं ऑलरेडी वो एरिया डैमेज हो रखा हो और वहाँ से बेबी लाने की हिम्मत कैसे मैं लाऊँगी, कैसे होगा? एटलीस्ट वो एरिया ठीक होगा तो मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो पाऊँगी ना।
तो बस यही है अभी। वैसे ठीक है, सही है, थोड़ा थोड़ा अभी काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, और डॉक्टर ने क्रीम वगैरह भी लिख के दी है तो वो मैं लगा रही हूँ। बाकी उस दिन तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, बहुत बुरी हालत थी। और अभी मैं घर पे आ गई हूँ और सब कुछ बढ़िया है। घर पे जितना रिलैक्स फील होता है हॉस्पिटल में कभी नहीं होता। मुझे हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वक्त ऐसा है। खैर छोड़ो कि ये गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है, इसलिए हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन बीमारी का सच में बहुत बुरी है। नींद तो बिल्कुल नहीं आती रात को, मैं हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। पापा बीमार हुए थे ना पिछले ईयर, पिछले साल दिसंबर ही था, तब से तो और ज़्यादा नफरत होने लगी है। कोविड था पापा को, तब से तो मुझे हॉस्पिटल से सच में चीड़ नफरत होने लगी है। जैसे ही हॉस्पिटल में पैर रखती हूँ ना, तो वही सब याद आता है कि पापा बीमार थे, और सच में पापा की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वही सब याद आ जाता है, तो वही सब याद आ जाता है। बाकी अभी तक के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही प्रेगनेंसी व्लॉग एंड डिलीवरी व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नए बेबी के साथ मेरी लाइफ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो चैनल पे न्यू आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ही चाहिएगा। होप कि अभी तक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्द नए वीडियो में या फिर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।